नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकतें और उनकी लेटेस्ट इंसल्ट दिखाई जाती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट सेंसेशन प्रदीप मेहरा की, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। सावधान मेहरबान कतरदान, तिहाड़ के चाटुकार राजा, दोगलापंती के माहिर, अराजकता में डिग्री पाने वाले सुधीर चौधरी पधार रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लिप में हम देखेंगे हमारे सुद्धू भैया की दोगलापंती की उदाहरण। बात इतनी सी है कि एक पत्रकार कौन होता है ऐसा कहने वाला कि लोग देश से प्यार नहीं करते। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो आप देश प्रेमी हो, अगर आप अपने देश की उन्नति को प्रेम करते हो तो आप देशद्रोही हो। और हमारे देश में मुगलों का राज आ जाएगा ऐसा पत्रकार कैसे कह सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को पत्रकार कहता हो और अपने ही देश के नागरिकों के वोट करने के अधिकार पर ऐसी घटिया बयान दे। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस देश में जिनकी संख्या भी बड़ी होगी, जो इनकी बातों में आ गए होंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हुई तो इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे और नुकसान होगा अखिलेश यादव का। इसे मैं आपके सामने एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये थी योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटेजी। उन्होंने क्या किया, समाज को दो हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। आप जो सैफरन कलर का ये जो देख रहे हैं पूरा 80% ब्लॉक, अगर ये एकजुट रहा तो फिर योगी आदित्यनाथ को कोई रोक नहीं सकता। जो वेलफेयर योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया। और क्योंकि पैसा तो पैसा ही है, इसलिए हर जाति के लोग मोदी से जुड़ गए। दिल्ली में एक बार फिर फ्री की बिजली, फ्री का पानी और मुफ्त बस यात्रा जैसे मुद्दे हावी रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को पैसा नहीं देना है। वैसे भी आपने सुना होगा, दिल्ली के जो लोग हैं वो हमेशा सेल में खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा पैसा नहीं देना चाहते। दिल्ली वालों को सब कुछ मुफ्त में चाहिए। दिल्ली वाले काफी आलसी भी हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। उन्हें बाकी के देश से कोई मतलब नहीं है। बहुत कंफ्यूज है, ये कौन से नशे हैं, ये कौन से नशे हैं। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि वो किस तरफ हैं। ये चुनाव आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने कोविड को लेकर भारत सरकार की नीतियों को हर बार कमजोर और दिशाहीन बताया, और जिन लोगों ने उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर देश को भड़काने की कोशिश की, ये नतीजे ऐसे लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये नतीजे आज ये बताते हैं कि हमारे देश के विपक्षी नेता, हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार और हमारे देश के अपने आप को लिबरल कहने वाले लोग जितना मर्जी फेक प्रोपेगेंडा चला लें, देश के लोग असली और नकली मुद्दों पर फर्क करना जानते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के 11 लाख लोगों से राय ली है। 73% लोगों का कहना है कि जब वो मतदान केंद्रों पर जाएंगे तब उनके प्राथमिक मुद्दों में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर हो। आपको याद होगा, चुनाव के समय बहुत सारे न्यूज चैनल्स लोगों के मुंह में माइक ठूस ठूस कर उनसे जबरदस्ती ये बुलवाने की कोशिश करते थे कि बोलिए कि मैं बेरोजगार हूँ। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी। हमारे विपक्षी नेताओं ने और हमारे मीडिया ने हमारे देश के लोगों को जमकर गुमराह किया, आर्थिक मंदी और फिर बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। 65% लोग महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हैं। उत्तर प्रदेश में फूड प्राइस इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। खाने पीने की चीजों की महंगाई सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करती है। ये जो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के मुद्दे हैं, ये भी नकली निकले। इन नतीजों ने इस नकली माहौल की पूरी हवा निकाल दी है।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपको यह खेल समझना होगा जिसमें मोहरा आप बनाए जा रहे हैं। अरे आपने सही सुना, स्मृति ईरानी जो बहुत ही बड़ी हो चुकी हैं हर तरफ से, वो हमारे तिहाड़ी सुधीर चौधरी की पुरानी कर्मचारी रह चुकी हैं। अगर नहीं यकीन आता तो इन क्लिप्स में आप खुद ही सुन सकते हैं इन दोनों के वार्तालाप को। बॉस को मैं अपने वर्तमान बॉस की जीत का विश्लेषण करने और उनका अभिनंदन करने आई हूँ। बहुत सफल हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। आपने अभी तक इसको याद रखा, ये आपका बड़प्पन है। अरे आप सबको वो क्लिप तो याद ही होगा जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी जी जाते समय अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जीतने के बाद यूपी सीएम आदित्यनाथ। जी हाँ, आदित्यनाथ, ना तो हम योगी और ना ही बाबा कह सकते हैं। आदित्यनाथ ने जीतने के बाद गुल्लू के लिए बिस्कुट और गुल्लू को बहुत प्यार से अपने हाथों से बिस्कुट खिलाए। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? कहेंगे बाबाजी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना, तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस क्लिप में हमारे पीएम एक तरफ तो सबको आगाह करते रहे थे कि भैया कोरोना है, बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, वहीं दूसरी ओर जब इलेक्शंस आए तो कोरोना घर पर बैठ गया और मोदी प्रशंसक सड़कों पर उतर आए। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ऐसा झूठ बनाया। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने, कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। The Prime Minister campaigning in Asansol said he was delighted, I think the word was elated, to see the large crowds that had gathered at his rally. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कबाड़ कर दिया आप लोगों ने। This on a day when India has reported over 2 lakh coronavirus cases for the third consecutive. दोस्तों, पिछले दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। हमारी युवा पीढ़ी को इस वीडियो से बहुत ज्यादा प्रेरणा और सीख मिलेगी। ये वीडियो थी प्रदीप मेहरा की, जिसमें प्रदीप मेहरा फौज के ट्रायल्स के लिए कठिन परिश्रम करते नजर आए। पर हमारे गोदी मीडिया को ये अपनी टीआरपी को बढ़ाने का लपकदार मौका दिखा, तो हमारे गोदी मीडिया ने दौड़ लगानी शुरू कर दी कि पहले प्रदीप मेहरा को कौन तंग करेगा और कौन पहले प्रदीप मेहरा से गालियां सुनेगा। इस क्लिप में देखें इन गोदी जुकरों के कारनामे और इनके बेतुके प्रश्नों का उत्तर कैसे प्रदीप मेहरा देते हैं। दौड़ क्यों रहे अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? बाप रे, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं दौड़ने के अलावा? फिजिकल वर्कआउट तो आप कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ करते हैं आप? क्या आर्मी में जाने के लिए किसी का फोन आया आपके पास? जो आर्मी में जाने के लिए फोन तो बहुत लोगों का आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्मी में ऐसे जाया जाता है जैसे कि लोग बोल रहे हैं मुझे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो आपने भी देखा होगा। और किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं दौड़ने के अलावा? क्योंकि आपको सेना में जाना है। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.